सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, आप सब सोनीपत नगर निगम निवासियों को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपसे निवेदन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये रंगों के त्यौहार को आप मनाएं। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं तरुण देवीदास अपनी एवं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त जिला सोनीपत वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये रंगों का त्यौहार आप सभी साथियों के लिए मंगलमय हो एवं आप सभी से आज के दिन अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवाएं। इससे घबराइए मत। निश्चित ही अगर आप लोग आगे बढ़ के टीकाकरण करवाएंगे, हम इस कोरोना रूपी महामारी को जड़ समेत सोनीपत से खत्म करने में सक्षम होंगे एवं बहुत ही जल्द हम सभी स्वस्थ होंगे और हमारे अपने भी हमारे मध्य स्वस्थ होंगे। उन्हें मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सोनीपत में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों की बात करें तो लगातार अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अब सख्ती दिखाई है और होली के त्योहार पर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। डीसी सोनीपत ने कहा कि लोग अपने घरों पर रहकर ही होली मनाएं ताकि वो कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। सभी थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। जिला उपायुक्त ने घर में रहकर सुरक्षित होली मनाने की अपील की है। इसके अलावा सोनीपत जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। डीसी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सोनीपत जिले में कोरोना के मामले बढ़े हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 24 घंटे में 39 नए केस सामने आए हैं। वहीं फिलहाल एक्टिव केस 280 हैं। वहीं सोनीपत में अगर बात करें तो अभी तक 15,454 केस टोटल हुए हैं और 15,174 लोग ठीक हो चुके हैं। डीसी सोनीपत ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से चिंता ज्यादा बढ़ी है क्योंकि एक सप्ताह में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। जिले में अभी तक 86 मौत हो चुकी हैं। डीसी सोनीपत ने कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए ही होली के होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सोनीपत वासियों से अपील है कि वो घर पर रहकर ही होली मनाएं। वहीं प्रशासन द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है ताकि कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाई जा सके और बताया कि अभी तक 80,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और किसी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाई जा रही है लेकिन उसी बीच अब मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती की ओर कदम बढ़ाया है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सबको ज्ञात है, सोनीपत जिला जो रिकवरी रेट भी हमारी जो उसकी कोविड केसेस की 98% से ऊपर पहुंच गई थी और जो पॉजिटिव केसेस थे वो मिनिमम को टच करके 18 आ गए थे। लेकिन पिछले एक हफ्ता से हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि एक दिन में से 58 केसेस भी आए थे और कल की बात करें तो कल 39 केस रिपोर्ट हुए और एज ऑन डेट 280 एक्टिव केस अभी हैं जिले में, तो जो एक चिंता का विषय है। और ख़ासकर जो अर्बन एरिया है इसमें केसेज ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। सोनीपत शहर हो या बड़खालसा एरिया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है और जो TDI और ये जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं इनमें भी केसेज अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह गन्नौर सब डिवीज़न से भी केसेज निकल कर आ रहे हैं, तो CMO और अन्य जो हमारे सब डिवीज़नल ऑफिसर्स हैं इनकी हमने एक बैठक करके सबको हिदायत करी है कि जो भी सोशल गैदरिंग है उस पर चेक लगाया जाए और लोग उसमें जो कोविड के जो नियम हैं सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हैं उनकी लोग अनुपालना करें, इसकी जो मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में पुलिस और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको भी हिदायत है और ये अभी इन्होंने बगैर मास्क के जो भी पब्लिक प्लेसेस में लोग घूम रहे हैं उन पर चालानिंग अभी स्टार्ट दोबारा से करी है। मेरी लोगों से अपील है कि इस कोविड महामारी में इसको लड़ने के लिए इससे लड़ने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और सब लोग मास्क का प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ाने से बचें और जैसा अब होली के त्यौहार को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इसका जो पब्लिक सेलिब्रेशन है वो मना है इस बार, आप होली अपने घर पर रहकर ही मनाएं।
और एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आने से बचें। पब्लिक प्लेसेस पे आप बिल्कुल मतलब जाने की उसमें मनाही है, और वायलेशन को सेक्शन 188 के तहत डील करने की भी हमने इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं। तो सबसे अभी एहतियात बरतने को हम कहेंगे, और जो मेडिकल टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है। वैक्सीनेशन भी पैरेलल चल रहा है, और अभी तक 81,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। मेरे को शामिल करते हुए मैं बात करूं तो मैंने खुद ने भी ये वैक्सीन लगवाई है, एसपी साहब ने भी लगवाई है, जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने सब ने वैक्सीन लगवा ली है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। 28 दिन के गैप पे ये पहला टीका और दूसरा टीका लगते हैं। तो हमारी जो 71 सेशन साइट्स हैं उन पे ये अभी कार्य चल रहा है। इस मंगलवार को हम 94 सेशन साइट्स का प्लान किए हैं, तो हम टारगेट ये कर रहे हैं कि 1,00,000 जो हमारा वैक्सीनेशन का आंकड़ा उस दिन टच कर जाए। उसके लिए आप सबका सहयोग ज़रूरी है। 1 अप्रैल से सरकार की ओर से ये हिदायतें हैं कि जो 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उन सबको वैक्सीन लगाया जाएगा। तो आप सब इसमें प्रशासन का सहयोग करें ताकि ज़िले को हम जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्ति दिला सकें। इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक जो COVID-19 के जो हिदायतें हैं उनका आप ईमानदारी से पालन करें। सारी चीज़ें एनफोर्समेंट से ठीक नहीं हो सकती, पब्लिक की तरफ से भी अब इसको एक ड्यूटी समझकर आप सब हमारा सहयोग करेंगे, तब मैं समझता हूँ हम मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। सर, सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो टोटल केसेस कितने हुए, उनमें से सर ठीक कितने और मौतें कितने हुई? देखिए, केसेज तो अभी जैसे 1 वीक से ही अभी शुरू हुआ है, दोबारा से जो ट्रेंड यदि स्पाइक यदि केसेज में आया है तो अभी इनका डिस्चार्ज में 10 से 14 दिन का समय लगता है, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। अधिकतर अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 18 केसेज ही हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी सब लोग होम आइसोलेशन में अपना जो समय बिता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये हालात यदि आप सबका सहयोग मिलता है तो हम इनको जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे, और इसमें किसी तरह का घबराने या पैनिक करने जैसा भी स्थिति नहीं है, लेकिन सावधान और सावचेत होने की सख्त दरकार है। तो आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है।